आज मैं बना रही हूँ क्योंकि ईद आ रही है तो इसके लिए शीर खोरमा जो कि बहुत ही मजेदार बनता है। हर एक का अपना अपना स्टाइल है, मैं अपने तरीके से आपके साथ शेयर करती हूँ। तो उसके लिए चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक पान ले लेंगे। मैं ये मोटी सेवइयों के साथ बनाऊंगी। बटर ले लेंगे थोड़ा सा। और ये मैंने इस तरह की मोटी सेवइयां ली है। इसको हल्का सा भूनेंगे। हमें बहुत ज्यादा तेज आंच पे नहीं इनको कुक करना, मीडियम से लो पे हल्का सा हमने इसको भून लेना है। बहुत ज्यादा हमने ब्राउन नहीं करना। ये देखिए हमारी सेवइयां जो है बहुत अच्छे से भून गई हैं। बिल्कुल हमने लो हीट पे इनको किया है, बहुत अच्छे तरीके से हो गई हैं ये रेडी। अब हम डालेंगे दूध। सेवइयां जो है वो डाल दी है। अब हम डालेंगे शुगर। तकरीबन जितना आप मीठा खाते हैं 4 से 5 टेबल स्पून मैंने अपने हिसाब से। और आप अच्छे तरीके से खा लेंगे जब तक ये कुक होती है। इसे मैं ये सारा ड्राई फ्रूट बादाम पिस्ता वगैरह मैं ये काट के रेडी कर लेती हूँ। उबाल आ जाए फिर इसको लो हीट पे अच्छी तरह पकने देंगे। ये देखें मैं लो हीट पे 15 से 20 मिनट अच्छे तरीके से कुक कर लेंगे। अब हम ये ड्राई फ्रूट जो कि मैंने इस तरह काट के रेडी रखा हुआ है अब डाल दूंगी, आधा अभी और आधा गार्निश के टाइम डाल के थोड़ी देर और कुक करूंगी इसी तरह लो हीट पे, ताकि ये अच्छे तरीके से ये देखें हमारा शीर खुरमा नीली रेडी है। अब हम इसमें थोड़ा सा डबल क्रीम डालेंगे। और फ्यू ड्रॉप जो है वो केवरा के डालेंगे हम इसमें। बहुत अच्छी सी खुशबू आ जाती है। बस 1 से 2 मिनट खाली इसको उबाल आएगा और हमारा शीर खुरमा जो है, और ये है हमारा शीर खुरमा जो बिल्कुल रेडी हो चुका है। गैस को कर देंगे ऑफ और मैं डिश आउट करती हूँ और फिर आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ। कितना मजेदार क्रीमी सा रेडी हुआ है। ये देखें हमारा बहुत ही मजेदार किस्म का शीर खुरमा रेडी हो चुका है। अब हम इसे गार्निश कर लेंगे। इसे ठंडा होने के लिए फ्रिज में रख देंगे। और ये था हमारी शीर खुरमा की रेसिपी। अगर आपको भी मेरा ये तरीका पसंद आए तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और अपने अच्छे अच्छे कमेंट दें ताकि मैं और इसी तरह की जबरदस्त सी रेसिपी लेके आ सकूं। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।